हाँ नीचे नहीं देखना चाचा, सीधे चलते रहो दोस्तों। ये देखो कितना खतरनाक रास्ता है, इस रास्ते से चल रहे हैं हम, और ये देख सकते हैं आप नीचे। चाचा आराम से चलना। हाँ हाँ दोस्तों, जिस गांव में हम आए थे उस गांव में हम पहुंच गए हैं, और हमें इधर पहले ही घर में जाना है। ये हम कंफ्यूज है कि ये वाला घर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हैं आप सब बढ़िया होंगे और हम सब भी बढ़िया हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे एक न्यू व्लॉग में। और दोस्तों आज मैं कहीं जा रही हूँ, और मैं पता कहाँ जा रही हूँ, जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हमारे घर में दादी जी लोग आ रखे हैं ना, दादाजी के पिंड करने के लिए आए हुए हैं। तो मतलब कल वो पिंड करके हरिद्वार से आ गए थे, तो आज हम ना पंडित जी के लिए जो मिश्रा होता है ना, निकाला हुआ आटा और चावल, वो देने के लिए जा रहे हैं दूसरे गांव में। मैं और चाचा जी जा रहे हैं, और चाचा जी उधर आगे से चले गए हैं, मैं अभी जा रही हूँ पीछे से। तो आज हम जिस गांव में जा रहे हैं, उस गांव का नाम है कपलटंडा। अपने गांव से उस गांव में जा रहे हैं, और जो ब्लॉग बना रही हूँ मैं आज, मतलब 12-1 बज गए होंगे, दिन से शुरुआत कर रही हूँ ब्लॉग की। तो चलो चलते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं हम किस किस रास्ते से जाते हैं, कैसे कैसे रास्ते होते हैं पहाड़ों में एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए बिना गाड़ी के, मतलब ना पैदल का रास्ता दिखाती हूँ मैं आपको। और ये देखो काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा ना धुंध सी लगी हुई है, तो चलो चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं पहाड़ों के सुंदर सुंदर नज़ारे, सुंदर सुंदर गाँव। दोस्तों ये हमारे गांव का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, और चाचा वो बैठे हुए हैं, मैं पीछे से ब्लॉग बनाते बनाते जा रही हूँ। ये हाथ में डंडा भी ले रखा है कि कोई जंगली जानवर दिखेगा तो, है ना, बचने के लिए डंडा भी पकड़ रखा है। हाँ और ये देखो जंगल का रास्ता है पूरा, बहुत ही खतरनाक रास्ता है दोस्तों। अभी आपको दिखाऊंगी ना तो आप भी बोलोगे कि हाँ नीचे नहीं देखना चाचा, सीधे चलते रहो दोस्तों। ये देखो कितना खतरनाक रास्ता है, इस रास्ते से चल रहे हैं हम, और ये देख सकते हैं आप नीचे। चाचा आराम से चलना। हाँ हाँ थोड़े स्पीड कम, क्योंकि इधर ना बहुत ही बारीक रास्ता है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ये देखो ओनली ये रास्ता है, और नीचे आप देख सकते हैं कितनी गहरी खाई है, और सारा रास्ता यही है। ये देखो ये देखो कैसे गांव में पहाड़ों में कैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, ये पैदल रास्ते होते हैं। ये देखो इधर से पूरे होते हुए जाना, और नीचे देखो कितनी गहरी खाई है। और इन रास्तों में आपको पता डेली हमारी गाय और बकरियां जाती है, और जो उनके साथ जाते हैं, मतलब गाय बकरी को लेके लोग जाते हैं, तो इतने खतरनाक रास्तों से जाते तो पहाड़ों की लाइफ आसान नहीं होती यार, ये देख सकते हैं आप। हाँ नहीं ये तो सीधा रास्ता है ना, पर बहुत खतरनाक है। ये देखो हमें जाना है उस गांव में, अगर आपको दिख रहा होगा तो, वैसे तो नहीं दिख रहा है, पर उस गांव में जाना है हमें। दस नीचे जाना है हमने। अब ये रास्ता तो उधर तक है ना, इधर से नीचे को जाना है अब, तो उधर पानी है, मतलब ये पूरा रौला है नीचे, रौले को पार करके जाना है हमने। इधर ना चीड़ के पत्ते गिर रखे हैं बहुत ज़्यादा, तो फिसलन हो रखी है। हमें तो खाली चल रही है, और चाचा बैग लेके चल रहे हैं, मैं खाली भी नहीं चल पा रही डंडे के सहारे से। ये देखो दोस्तों ये हम ऊपर से नीचे को आ गए हैं, और रौले में ये रौला पार करके जाएंगे। देखो गधेरा, डर लग रही है, नहीं था नीचे देख के बहुत ज्यादा। हाँ अरे हम नीचे गलत आ गए, हाँ हमने ना उधर से आना था नीचे, हमने गलत रास्ते आ गए, पर हमें फिर ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ फिर वो है रास्ता उधर, तभी तो मैं कह रही इधर तो मैं आई नहीं कभी। हाँ वम बेटे माँ चल जुला दोस्तों, हम ना भटक गए क्योंकि हम कभी पहले आए नहीं है, मतलब आए हैं पर इतना पता नहीं, हम दूसरे रास्ते से नीचे आ गए। चलो कोई बात नहीं, पारी तो करना है किधर से भी। हाँ अब इधर से ही जाना पड़ेगा, भूल गई मैं बहुत टाइम बाद आ रही हूँ, पता इधर मैं खुद ही भूल गई, चाचा को तो कैसे पता होगा पर मैं खुद ही भूल गई। दोस्तों कितना खतरनाक पेड़ है यार, इस पेड़ को देख के बहुत डर लग रहा है, क्योंकि उसमें ना जड़े जा रही है ऊपर खतरनाक तरीके से। ये रौले में पहुँच गए हैं भटकते भटकते, चाचा तो इतनी तेज भाग रही,
थोड़ा सा गलत आ गए बस। हाँ वैसे तो सही आ रहे हैं, पर जितना हम नीचे से चल के आ रहे उतना हमने ना इधर से आना था नीचे को। हाँ ये रास्ता, मैं यही तो कह रही थी, मैं वहाँ पे आके कंफ्यूज हो गई यार, इस रास्ते तो मैं कभी आई ही नहीं कि कौन सा रास्ता है। ये देखो वो है ना रास्ता, उस रास्ते आना था हमने, पर हम इस रास्ते आ गए, उस रास्ते आ गए हम। चलो कोई नहीं, जितनी कठिन परिश्रम करेंगे उतना अच्छा फल मिलेगा हमको। ये पत्थर फेमस है इधर का, और ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये रॉ मतलब ये पानी इकट्ठा हो रहा है तो गढ़वाली में इसको रॉ बोलते हैं ना, तो इधर मतलब जो भीमल का पेड़ होता है उसमें जो ऐसी ऐसी पतली पतली लकड़ी होती है ना, ऐसी लकड़ी को डालते हैं इसमें, और फिर इसके बाहर हाँ 6-7 महीने तक डालते हैं, फिर ये जो बाहर का छिलका वो निकालते हैं, उससे रेसे बनते हैं बाहर के छिलके से, और जो अंदर का छिलका होता है ना उनको क्याड़े बोलते हैं, मतलब जो गढ़वाली लोग होंगे उनको तो पता है कि क्याड़े किस चीज़ को बोलते हैं, वो आग जल्दी से हाँ आग उनसे बहुत जल्दी जलती है। ये देखो इस रास्ते आना था हमने, हाँ जो रेसे ना धागा टाइप का बनता है ना तो वो तो बहुत ही ज़्यादा काम आता है। जो मैंने अभी बताया ना कि जो भीमल की लकड़ियाँ होती है उसको मतलब ऐसे पानी में डालते 7-8 महीने तक फिर निकालते हैं ना, तो उनके जो बाहर का छिलका होता है ना मतलब पानी में डालने से पहले उस छिलकों को निकालते हैं, फिर उसको मतलब थोड़ा पीसते हैं, तो पहाड़ी शैम्पू है वो, मतलब पहले पहाड़ के लोग ये शैम्पू साबुन कहाँ लगाते थे ना, तो उनके लिए मतलब वही शैम्पू था, बहुत ही सिल्की होते उससे बाल। और गढ़वाली में क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते चाचा वे खड़ा जेल बाल धुंधी सिरसोल, हाँ सिरसोल बोलते हैं उसको, और जो गढ़वाली लोग होंगे उनको तो पता होगा ना क्या होता है वो, कि हम इधर पार करके आगे इधर को गाँव की तरफ चल रहे हैं। अब ये देखो इधर ही जाना है ना, उधर से आ रहे हैं हम, वो रास्ता दिख रहा होगा, वैसे दिख नहीं रहा ना, ये डंडा काफ़ी काम कर रहा है मेरा। तो हम लोग मतलब पंडित जी का दक्षिणा देने जा रहे हैं, जो कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि हम मिश्रा देने जा रहे हैं, तो मिश्रा का मतलब दक्षिणा होता है ना चाची जी। हाँ वो पंडित जी मतलब उन्होंने किसी और को भेजा था, तो अब हम उनका देने जा रहे हैं जो उनके हिस्से का दक्षिणा था, इसलिए हमें इतनी जंगल का रास्ता तय करना पड़ रहा है। हाँ इतने खतरनाक जंगल से आना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं है ना, अगर आती नहीं तो ब्लॉग भी कैसे बनता, और आप लोगों को भी तो दिखाते हैं हम कि हमारे पहाड़ों में कैसे कैसे रास्ते होते हैं, किन किन रास्तों से गुजरना होता है, और ऐसे नहीं है कि इन रास्तों में हम लोग तो चलो अभी आ रहे हैं ना काम से, पर जो लोग डेली गाय बच्ची लेके आती है तो इन्हीं जंगलों से आते हैं है ना। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, जिस रास्ते से हम आ रहे हैं ना इस रास्ते में इस जंगल में बाघ भी रहता है, और अभी कुछ दिनों पहले मेरे भाई लोगों ने देखा था इधर बाघ, वो उधर नीचे की साइड उधर ना बकरियाँ जा रखी है चरने के लिए, तो वो लोग वहाँ से ऊ कर रहे हैं मतलब आवाज़ मार रहे ना एक दूसरे को, हल्ला करते रहते हैं, क्योंकि बाघ तो पता है ना कैसे छिपा रहता है बकरियों के पकड़ने के चपेट में, तो ये लोग हल्ला करते रहते हैं ना ताकि मतलब बाघ को ऐसा लगे कि हाँ बकरियों के साथ कोई ना कोई है ना। और हमें इधर पहले ही घर में जाना है, ये हम कंफ्यूज है कि ये वाला घर है कि ये वाला घर है, और पंडित जी का नाम भी हम दोनों भूल गए थे, चाचा तो भी है, पर उधर ताला लगा है ना, ताल तो खुला छे खाने बैठी, चलो पूछ लो ना सही हम बे ये तो छिक, मतलब इधर ना 2-4 ही लोग रहते हैं, और ये देखो ये मौसमी लगे हुए हैं इधर, आजकल ठंडियों में ना बहुत ज्यादा खाते हैं, खटाई बना के खाते हैं इनके, यही होगा चाचा का, ये मौसमों की खटाई बनाते हैं ना आजकल। गांव में तो हम पहुंच गए जैसे बताया आपको, ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे ये लगी है मौसमी, अभी पूछते हैं हम इधर कि पंडित जी का घर कौन सा है, क्वीन इज दिया पर कोई है भी नहीं इधर ना, बहुत कम घर है इधर, 2-4 ही घर है, क्या पता घास काटना खंड जा रोला कुछ, एक घर में तो आ गए पर इधर अभी कोई नहीं है, चाचा ना दरवाजा बजा रहे, क्या तो नहीं वाला कोई नहीं है इधर तो, आवाज मार के देखते आधे घर वो नीचे है आवाज मारे। देखो दोस्तों इन्हें हम गढ़वाली में मीठे करेले बोलते हैं,
आपके इधर क्या बोलते हैं इनको ये सब्जी? देखो ये जो लगी हुई है, हमारे इधर तो मीठे करेले बोलते हैं इनको। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे कितनी बड़ी ककड़ी लगी हुई है। देखो बाप रे, ये पीली हो रही है बिल्कुल, ये चाचने डंडे सब। और ये मीठे करेले, ये क्या, एक वो भी लगा हुआ है नीचे, है ना, ककड़ियाँ। पर अभी हम ढूंढ रहे हैं जिनके घर पे आए हुए हैं, अभी गांव में कोई नहीं है। ये देखो मौसमी, आजकल घास काटने का टाइम है ना दोस्तों, तो कोई नहीं है घर पे। कहाँ जाना है अब? थोड़ा हम ऊपर गांव में जा रहे हैं पूछने के लिए, क्योंकि पंडित जी के घर में तो हम पहुंच गए थे, पर उनके घर में कोई नहीं है। और खेत में जा रहे क्योंकि घास काटने के लिए, है ना। आजकल तो कोई नहीं रहता यार, क्योंकि आजकल काम का टाइम है घास काटने। चाची दरवाजा खुला है उधर, पर कोई नहीं उधर। चाची इधर ऊपर से रास्ता। तो दोस्तों हमको इस घर में लोग मिल गए हैं, तो हमने कहा वो लोग कहाँ जा रखे हैं, मतलब पंडित जी लोग। तो उन्होंने बोला कि वो घर पे नहीं है, उनके घर वाले भी घास वगैरह काटने के लिए जा रखे हैं। बोला हम उनको कॉल कर देंगे, आप उनके घर के अंदर रख दीजिए जो हम ला रखे हैं। अच्छा अच्छा उधर पूछ रहे हैं। तो अभी जो आंटी थी यहाँ पे, उन्होंने मेरे को पहचान लिया, बोला कि तुम योगिता हो। मैंने कहा हाँ जी। तो अभी वो कॉल कर रहे हैं, अभी हम उधर ही जा रहे हैं उनके घर में। वो कॉल करके हमें बता देंगे कि उनके घर के अंदर रखना है, कि वो लोग आ रहे हैं मतलब खेत से। तो देखते हैं क्या क्या होता है ना। और अभी हम जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से हम घर नहीं जाएंगे, अब हम सड़क के रास्ते से जाएंगे घर। आ रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं, तो अभी वो लोग आ रहे हैं, हम उनके घर पे जा रहे हैं। हम इधर किसी और के घर पे आए थे ना पूछने के लिए, तो वो कह रहे हैं कि वो लोग आ रहे हैं, आप बैठ जाओ तब तक। तो तब तक बैठ जाते मैं और चाचा, है ना। अभी 5-10 मिनट हो गया मैं यहाँ बैठे बैठे, वो लोग अभी नहीं आए हैं, कि अब तो दूर गए होंगे ना। ये देखो चाचा बैठे हैं, ये उनका घर है और हम उनके घर के ऊपर बैठ रखे आराम से धूप में। और पता क्या देख रहे हैं यहाँ से बैठ के, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो दोस्तों, हम यहाँ बैठे बैठे ना उनकी मौसमी देख रहे हैं। नीचे मीठे करेले भी लगे हुए हैं उधर ये, पर हम ज़्यादा ध्यान हमारा मौसमी में है। अभी तोड़ेंगे हम, उनसे मांगेंगे कि हमें देंगे तो फिर चोरी करेंगे। कब करेंगे चोरी, तब तक तो आ जाएंगे। पर उनसे मांग के ले जाएंगे। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं मौसमी, आप लोगों को पता है ना आजकल ये ठंडियों में ही खाए जाते हैं, आराम से धूप में बैठ के खटाई बनाई जाती है ना। और ये सारा धुंध लगा हुआ है, ये देखो उनकी डॉगी आ गए हैं वो लोग भी। उन्होंने कहा हमें कि अंदर बैठ जाओ, तो हम अंदर जा रहे हैं। चाचा जूते पहन रखे हैं, जूते निकालने पड़ेंगे। सोचता निकाल दिए। दादी जी लोग और दीदी आ गए हैं जिनके घर में हम आए हैं, और हम भी बाहर बैठे थे ना, अभी उन्होंने कहा अंदर बैठ जाओ, तो अंदर बैठे हुए हैं। चाय बना रहे थे, हमने चाय बनाने के लिए मना कर दिया ना, और पानी हम अपने साथ ला ही रखे थे, बस सामान देते हैं उनको, है ना। कहाँ गए दादी, घास रखने जा रही है? चाचे बैठ रहे, आज धूप भी नहीं रहा ढंग से। हाँ मौसम तो ठीक है ना, तो हमारे कहा हमारा हमारे पसीने छूट जाने से, पता धूप ने हमारा साथ दे दिया थोड़ा, नहीं आया ढंग से। 2-4 दिन से वैसे गांव में ऐसे ही हो रखा है, थोड़ा धुंधला टाइप का हो रखा है, ओस पड़ने के लिए हो रखा है ये। बाकी बारिश तो नहीं आनी, पर ओस पड़ने के लिए। दोस्तों पहाड़ों में कैसे घर होते हैं, ऊपर लकड़ी की देखो। अरे घास काटे तुम अरे नकल आई हुए 5 बजे करे हाथ सुबह जा भी नहीं गया बुखार आ गई हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया है। हमने आपको बोला था कि हम सड़क के रास्ते जाएंगे, पर हम सड़क के रास्ते नहीं जा रहे हैं, हम जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते जा रहे हैं अब। और जिस काम के लिए आए थे वो काम हमारा हो चुका है। काफी देर हम बैठे रहे, हमने बातें की, चाय भी पी, है ना चाचा। और अब हम घर को जा रहे हैं,
और पहले तो ऊपर सड़क के रास्ते जा रहे थे, पर अब सड़क के रास्ते नहीं जा रहे, अब इसी रास्ते जा रहे जिस रास्ते आए थे, क्योंकि आगे मतलब ना अच्छा यही है पीने का पानी। हाँ, इसमें से जा रहा अच्छा जो हमारे गांव में पानी का वो भी ना पीने का पानी जाता है वो इसी से जाता है, ये यहाँ से सप्लाई है। उधर नीचे नीचे जो मैंने आपको पाइपें दिखाई थी ना, हाँ अच्छा इधर से ही है ना, ठीक। हाँ दोस्तों तिरछे रास्ते में पहुंच गए हैं, हाँ अब यहाँ से हमने सीधे सीधे जाना है, चढ़ाई खत्म, अब यहाँ से सीधे सीधे चलते हैं घर की तरफ, वही रास्ता जो कि आपको पहले भी दिखाया, पर ना उस टाइम हम आगे वाले से ही नीचे को चले गए थे। ये देखो दोस्तों कितना डरावना नज़ारा है ना, ये देखो सीधे नीचे रौला, ये यहाँ पे मम्मी बकरी चरा रही है, और यहाँ पे बुल्ली भी है हमारी प्रिय बुल्ली प्रिया, और ये मम्मी, और अब मैं बकरियों में रहूँगी। मैंने ना उसकी बकरी बांध ली, और मेरी बकरी तीन बकरी मेरी उधर चली गई खेत में, और उसकी बकरी मैंने बांध दी प्रिया की बकरी, मेरे को पता ही नहीं मेरी बकरी कौन सी है, ये भगवान दिमाग ख़राब कर दिया इन बकरियों ने। फाइनली अब सारी बकरियाँ बांध ली है, चलो अब घर में चलते हैं, देखते क्या करते हैं। चाची बर्तन धो रही है, हाँ मिल गई, उधर नीचे जा रखी थी, वीडियो मेरी बंद नहीं हुई। हाय, हेलो हेलो दादी, कैसे हो, कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सब्जी काट रहे हैं, प्याज काट रहे हैं, गांव में आ गया ना, मजे हो रखे हैं ना, मजे आ रहे हैं। ये हमारी बुआ दीदी है ना, हाँ चलो यार, यहाँ पे चाची बना रही है सब्जी, यह भिंडी और प्याज ना, भिंडी और प्याज की सब्जी दूसरी बनानी है क्या, क्या हो जाएगा ये सब्जी, इसमें पड़ी है वो आलू मिर्च, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो चाची से पूछते हैं आपका गांव के कैसे लग रहा है, वो भी फर्स्ट टाइम है, कैसे लग रहा है आपको, फर्स्ट टाइम गांव आए हैं और मैं गांव आके लगा है बढ़िया, अच्छा मतलब यहाँ देख के है ना दिल्ली के पेड़ पी से, तो हाँ शांति है ना, हाँ तो चाची फर्स्ट टाइम आ रही है ना यहाँ, हाँ चाची फर्स्ट टाइम आ रही गांव, और दोनों बच्चे भी, जब चाची फर्स्ट टाइम आ रही है तो बच्चे भी फर्स्ट टाइम, हाँ तो आजकल खाना बनाने की ड्यूटी चाची की लगी है भाई, हम फ्री हो रहे हैं आजकल है ना चलो फिर आती हूँ मैं, हाँ चलो दोस्तों फिर आपने देखा ही होगा दादी लोग सब बैठे हुए हैं, चाची बना रही है सब्जी, मैं भी करती हूँ चाची की हेल्प, आजकल तो मैंने बताई चाची बना रही है खाना, पर थोड़ा बहुत हेल्प मैं भी करती हूँ चाची की, और वो हमारी माताजी भी आ गई हैं, ये देखो, और ये हमारी बुल्ली पायल, हाय, ये तो ऐसी भागेगी नहीं तो आएगी, मम्मी भी आ गई है, तो चलो अब थोड़ा बहुत चाची की हेल्प करती हूँ है ना, फिर बाद में मिलती हूँ आपको, चाय बनाया, चलो दोस्तों फिर ठीक है ना, इस ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा हमारे साथ आप ऐसे ही बनाए रखना, और क्या कहते हैं, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, ठीक है, और शाम हो गई है ये देख सकते हैं आप इधर, चलो फिर बाय, धन्यवाद। Did anybody out there hear me?